कुछ जरूरी जानकारी है, जॉब से रिलेटेड जानकारी है। बहुत सारे कैंडिडेट ने क्वेश्चन किए थे, जो कमेंट किए थे, उनके हम आज आपको जवाब देने वाले हैं। जो जरूरी कमेंट थे, उनसे आपको बेनिफिट मिल सके। तो अगर आपके पास टाइम है 2 से 4 मिनट का, तो प्लीज़ इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, जिससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा, और आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी कैंडिडेट को बेनिफिट मिल पाएगा। आइए हम शुरू करते हैं, उन सभी कमेंट्स के बारे में जानकारी देंगे जो आपके लिए ज़रूरी। पहली जो कमेंट है मैंने यहाँ पे ली है, जो कमेंट कुलदीप सिंह की है। कुलदीप सिंह ने यहाँ पे कहा था कि मैं भाई नहीं गया, मेरे पास कॉल आया है, 20 सितंबर को दोबारा मानेश्वर 7 AM पर बुलाया गया है RT-PCR के लिए। ऐसा होता है ना, जब आप लोग, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, उनको फैमिली रीजन की वजह से वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो परेशान मत होइएगा, जब कॉल आता है उसमें बोला जाता है कि अपनी ज्वाइनिंग कंफर्म करने के लिए 1 दबाएं या 2 दबाएं। तब आप ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं या फिर टेस्ट पेपर के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे 1 या 2 दबा सकते हैं। अगर नहीं दबाएंगे तो आपको दोबारा बुलाया जाएगा। यहाँ पे दूसरी कमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्रशांत पंडित ब्लॉग्स का कमेंट है। इन्होंने पूछा है, सर मारुति सुजुकी से कॉल आया है, हम रिसीव नहीं कर पाए, क्या करें? ज्वाइनिंग के लिए जिस भी कैंडिडेट के पास कॉल आता है, ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया, टेस्ट पेपर हो चुका है, या फिर कुछ भी नहीं हुआ है, आपको लगता है कि मारुति सुजुकी से कॉल आया है, तो आपको क्या करना है? वहां पे कॉल नहीं रिसीव कर पाए तो परेशान नहीं होना है, दोबारा कॉल आएगा। तीसरी कमेंट की बात करें तो यहाँ पे मिस्टर रॉकी भाई हैं, जो कि यहाँ पे बता रहे हैं कि सर मेरा कॉल आया था, मैंने फोन उठाया पर पूरा सुन नहीं पाए, उसका एड्रेस भी नहीं सुन पाए थे। उसने बोला कि मगर आना है, 2 दबाएं, पर मैंने कुछ नहीं दबाया, दोबारा कॉल आएगा या नहीं आएगा? देखिए, जो भी कैंडिडेट होते हैं, अगर आप ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, आपके पास कॉल आता है किसी रीजन से, नेटवर्क प्रॉब्लम, बैटरी चली गई अचानक से, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या होता है ना, उसमें आप लोग कंफर्म नहीं कर पाते। आप बिल्कुल ही परेशान ना हो, आपको दोबारा कॉल किया जाएगा, दोबारा आपको बुलाया जाएगा। अगला जो कमेंट है, AJ गेमिंग ने किया था। इन्होंने बताया कि मारुति सुजुकी का भाई मेरे पास कॉल आया था और मैंने उठाकर 1 दबा दिया पर जा नहीं पाया। क्या होता है ना कि आपने जाने के लिए तो हाँ कर दिया, फिर कुछ परेशानियां हो गई जिनकी वजह से आप जा नहीं पाए, तो आपको हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करना है, अपना रीजन बताना है, आपकी ज्वाइनिंग रिशेड्यूल कर दी जाएगी, ठीक है, आपको बुलाया जा सकता है। अगला जो कमेंट है DC ठाकुर का है, सर टाटा मोटर्स में मुझे टेम्परेरी पास दिया गया था, जिस पे ज्वाइनिंग डेट 12 सितंबर थी, लेकिन पता नहीं क्या कारण से डेट आगे बढ़ा दी गई, 4-5 दिन बाद कॉल किया जाएगा, तब आना है, ऐसा कंपनी ने बोला है। जिस भी कैंडिडेट को ऐसा बोला गया है कि आपको वेट करना है, तो प्लीज़ आप वेट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी प्रोडक्शन नहीं होता है, कभी कभी दिवाली के चलते ये लोग ज्वाइनिंग रोक देते हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। सर मेरा CW का इंटरव्यू छूट गया है, फिर से बुलाया जाएगा क्या? देखिए, जो कैंडिडेट इंटरव्यू वगैरह छोड़ देते हैं कंफर्म करने के बाद में, अगर आपने कंफर्म कर दिया कॉल आया था और फिर छोड़ दिया, तो उसमें एक ही चांस है कि आप हेल्पलाइन नंबर पे बार बार ट्राई करें, कॉन्टेक्ट करें। जैसे ही आपका कॉन्टेक्ट हो जाता है, फिर उनको अपना पर्सनल रीजन बताएं क्यों आप नहीं गए, उसके बाद में ही आपकी ज्वाइनिंग रिशेड्यूल की जा सकती है, नहीं तो आपको दोबारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला जो आपका कमेंट है, मनीष कश्यप का है, और ये बिहार से हैं, ठीक है, बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया, सर 22 सितंबर को इंटरव्यू दिखा रहा है। तो जिस भी कैंडिडेट का इंटरव्यू वगैरह अगर आता है, मैसेज आता है, कॉल आता है, तो आपको जाना है, लेकिन ज्वाइनिंग करने के लिए जब आपको मैसेज और कॉल दोनों ही आए, तभी आपको ज्वाइनिंग करने जाना है, नहीं तो वो लोग वापस कर देते हैं। अगर आपके पास मैसेज आया है तब तो आपको जाना है, अगर कॉल आया है कॉल के थ्रू आपको ज्वाइनिंग लेने नहीं जाना है। फिर अगला कमेंट जो है मोनू कुमार ने किया था, काफ़ी दिन पहले किया था ये कमेंट। इन्होंने बताया, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास भी मारुति का अप्रेंटिसशिप के RT-PCR और ज्वाइनिंग का मैसेज आ गया, 12 सितंबर को गुड़गांव सेक्टर 51 में बुलाया गया, यानी कि इनका भी ज्वाइनिंग हो चुका है, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो ये कमेंट सेशन काफ़ी दिन हम कर नहीं पाते हैं, आपको बता नहीं पाते हैं, तो ये पेंडिंग हो जाते हैं, इसलिए जब मैं कमेंट सेशन देख रहा था तो वहाँ से कुछ कमेंट लिए जिससे कि आपको बेनिफिट मिल पाए। रवि कुशवाहा ने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे गेट भर्ती अभी चल रही है, टेम्परेरी वर्कमैन में 12,000 रुपये सैलरी मिलेगी, अप्रेंटिसशिप में 10,300 रुपये सैलरी मिलेगी, मंडे और थर्सडे को गेट नंबर 6 पर जाके आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता है, आई टेस्ट में आपका कलर रिजन वगैरह और वेट चेक किया जाता है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं, गेट नंबर 6 पर जाइए, रुद्रपुर पंतनगर में ये कंपनी लगी हुई है। अगला कमेंट देखेंगे तो यहाँ पे संतोष कुमार ने बताया था कि मेरा भी कॉल आया है बट मैसेज नहीं आया है, 15 तक मैसेज के लिए बोले हैं और 22 को एग्जाम के लिए बुलाया गया है,
तो जिस भी कैंडिडेट का कॉल आया है, मैसेज नहीं आया, अगर आपका एग्जाम है, इंटरव्यू है, तो आप कॉल के थ्रू देने जा सकते हैं, पर आपको ज्वाइनिंग लेने नहीं जाना है। यहाँ से बिल्कुल परेशान मत होइए, आगे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे कमेंट हमने लिए हैं यहाँ पे, अच्छे कमेंट लिए हैं, जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग जुड़े रहें। यहाँ पे जो अगला है, सुमित कुमार ने बताया है कि भाई मेरे पास 3 बार बुलाया गया, मुझे कॉल किया गया, मैं जा नहीं पाया, क्या आप जा सकता हूँ? देखिए, ऐसा होता है जब आपको बुलाया जाता है, जब आपको ज़रूरत होती है, तब तो आप लोग जाते ही नहीं हैं, और बाद में जब आपको कंपनी पेंडिंग में डाल देती है, तब आप परेशान होते हैं। तो आपको बुलाया जा सकता है, लेकिन वही रीज़न है, आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पर्सनल रीज़न बताएं, उसके बाद में आप लोगों को बुलाया जाएगा। यहाँ पे मंगेश कुमार है, मंगेश कुमार को 20 को बुलाया गया था CW के लिए, ठीक। अगला आपका जो कमेंट है, बबीता राज का है, इन्होंने बताया कि मेरे पास कॉल आया था, इसलिए मेरी ज्वाइनिंग नहीं की थी, इस बार कॉल और मैसेज दोनों आए, 20 सितंबर को जाना है। यानी कि ये पहले ज्वाइनिंग लेने गए थे, इनके पास सिर्फ कॉल आया था और ये ज्वाइनिंग लेने गए थे, तो वहाँ कंपनी वालों ने इनके कॉल के द्वारा इनकी ज्वाइनिंग नहीं की, इसलिए अब की बार इनके पास दोनों कॉल और मैसेज आए हैं, तो ये ज्वाइनिंग लेने गए हैं। अगर आपके पास भी ऐसा होता है, तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा, कॉल के द्वारा जब कॉल आता है, तब वहाँ पे पूछ लेना है सर, क्या मेरा कॉल के द्वारा ज्वाइनिंग हो पाएगा या नहीं होगा, तुरंत ही पूछना है। अगला जो कमेंट है, केशव कुमार ने किया है, सर मेरा 26 सितंबर को एग्ज़ाम के लिए मैसेज आया है, ये भी 26 सितंबर को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अप्रेंटिस के एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी, ठीक है, टेस्ट पेपर और इंटरव्यू एक साथ होता है अप्रेंटिस का। इरफान का भी यहाँ पे 26 को ही बुलाया गया था, तो ये लोग गए हुए हैं। जैसे ही इनका हो जाता है, आप भी, आपको मैसेज आता है, कॉल आता है, आप लोग भी अप्रेंटिसशिप और टेस्ट पेपर देने जा सकते हैं। अगला जो आपका कमेंट है, क्रिकेट फैनेस्टी का है, और ये आपका हीरो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। सर मुझे कॉल आई थी इंटरव्यू के लिए, 18 को मेरा इंटरव्यू हुआ है, मैं सेलेक्ट भी हो गया हूँ, उन्होंने गेट पास, ज्वाइनिंग पास भी दिया है, ग्रुप में भी ऐड कर रखा है। जो हीरो कंपनी है, वो आपको इंटरव्यू करवाने के बाद में एक ग्रुप बना देती है व्हाट्सएप पे, जो भी आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो ग्रुप में ही शेयर करते रहते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो प्लीज आप लोग देखिएगा, क्योंकि बेनिफिट आपको फ्यूचर में इसका मिलेगा। कमेंट है यहाँ पे, छोटू है, छोटू ने बोला था JK एंटरटेनमेंट, भाई इसमें NDTF की यूनिफॉर्म मिलती है या फिर टाटा मोटर्स की? टाटा मोटर्स डिप्लोमा कराती है, पॉलिटेक्निक कराती है ITI वालों को, तो क्या है ना कि उसमें आपको NDTF की ही यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराई जाती है, और 3 साल या 2 साल की जॉब रहती है, टाटा मोटर्स की यूनिफॉर्म नहीं प्रोवाइड की जाती। अगला जो कमेंट है यहाँ पे, संदीप कुमार ने किया था, इन्होंने बताया था कि इनका ज्वाइनिंग हो गया है, इन्होंने बताया मेरी सैलरी 18,000 है, ठीक है, 18,000 है, अभी 3 मंथ हुए हैं ज्वाइन किए हुए, और ₹116 OT चलता है 1 घंटे का, 12% सैलरी इंक्रीजमेंट भी है इनका, और ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल की भी सुविधा इनको प्रोवाइड की जा रही है। जो आपकी कंपनी है, वो कैबरी डेयरी मिल्क लिमिटेड कंपनी है, जिसमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है, इसके ज़्यादा नोटिफिकेशन जारी नहीं होते हैं, तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, तो कैबरी लिमिटेड के बारे में हम आपको वीडियो बना के बताएंगे। यहाँ पे जो अगला कमेंट है आपका, TSM गेमिंग ने किया था, इन्होंने भी बताया कि 26 सितंबर को हमें अप्रेंटिसशिप के लिए बुलाया गया है, तो ये भी टेस्ट पेपर देने जा रहे हैं। कैलाश कुमार गौतम यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरा भी RT-PCR हो गया है, 20 को और 22 को ज्वाइनिंग है मेरी, तो बहुत ही अच्छा है, इनको ज्वाइनिंग मिल रही है। अगर आपको भी ज्वाइनिंग मिलता है, आपका टेस्ट पेपर होता है, कुछ भी, तो आप कमेंट करके जरूर शेयर करें। अगला जो कमेंट है, अभिषेक ने किया है यहाँ पे, इनका ये जरूरी कमेंट है आपको बताना है, सर मारुति कंपनी में मैं CW कर रहा हूँ, क्या CW छोड़कर मैं अप्रेंटिसशिप कर लूँ? देखिए, जो कैंडिडेट है यहाँ पे मारुति सुजुकी में जॉब करना चाहते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं, 6-6 महीने बाद आपको कॉल किया जाता है, आपकी ज्वाइनिंग हो पाती है, पर आप काम कर रहे हैं तो 1 साल रुक जाइए, आप लोग काम कर लीजिए, जो भी कैंडिडेट वहाँ पे रुके हैं, अप्रेंटिसशिप अगली बार कर लेना। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तब तो ठीक है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करना चाहते हैं, तो अप्रेंटिसशिप ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है, आप ट्रेनिंग कीजिए 1 साल की, वो आपका एक्सपीरियंस रहेगा, उसके बाद में और भी कंपनियों में आप जॉब कर पाए। आपका भी कोई डाउट है, तो आप भी यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपका जरूरी कमेंट लगा, तो मैं आपको जरूर यहाँ पे सेलेक्ट करके आपका भी वीडियो बनाऊंगा और लोगों को बताऊंगा, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल पाए और आप भी समझ पाए। वीडियो पसंद आया है तो इसको आप शेयर कर दीजिए अपने जॉब वाले ग्रुपों में, अपने जो भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें जरूर शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि यहाँ पे सही इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिससे कि अच्छे व्यक्ति और अच्छे जरूरतमंद लोग हमारे साथ जुड़ पाए।